बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक और नई वैकेंसी के साथ हम हाजिर हैं। इस बार कहाँ है? उत्तराखंड सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड उत्तराखंड सुगर्स में। कौन कौन सी ये भर्तियाँ हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 78% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें आपको कहाँ से मिलेंगी। और उसके अलावा इस पूरी वीडियो में जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है उसका लिंक मैंने टेलीग्राम के उसमें अपलोड करके रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की यहाँ पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो सबसे पहले जो भर्ती है वो सहायक अभियंता मैकेनिकल की है, जिसके लिए टोटल 18 पोस्टें निकली हुई हैं, जिनमें 12 जनरल की हैं और उसके अलावा अनुसूचित जाति के 4, अनुसूचित जनजाति की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी की 2 है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि के साथ 2 के साथ साथ NSI कानपुर से सुगर इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त तथा 2 वर्ष का यहाँ पर जो है अनुभव होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं सहायक अभियंता विद्युत के लिए। तो यहाँ पर टोटल 5 पोस्टें निकली हैं। क्वालिफिकेशन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है स्नातक होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह बिल्कुल सेम ऐसी है हर एक वैकेंसी में, ठीक है। बात कर लेते हैं सहायक अभियंता इंस्ट्रूमेंट की। केवल 1 पोस्ट निकली हुई है और जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जो है स्नातक होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली आई थिंक यहाँ पर जो है सभी स्नातक लेवल की जॉब है। बाकी निर्माण रसायनविद की टोटल 6 पोस्टें निकली हैं। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc आपके साथ यहाँ पर आपका जो यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इन्होंने BSc लिखा है, यहाँ पर कोई ये नहीं लिखा है कि आपको बायो से होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही सबसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैब अटेंडेंट, यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 पोस्टें निकली हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं BSc यहाँ पर क्वालिफिकेशन है और साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस और जो है शुगर टेक्नोलॉजी यहाँ पर BSI भी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभागीय संविधा के आधार पर समूह ख के पदों के लिए भर्ती की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं नियम और शर्तें इसमें दी गई हैं, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ दें अप्लाई करने से पहले। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो फॉर्म स्टार्ट है 19 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट है और 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 2022 तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन ये फॉर्म है। इस वीडियो के बाद हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह से आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं किस तरह से इसमें चयन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी अभिलेखों सहित इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uttarakhandsugars.com से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अभ्यर्थियों को जो है आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया और समस्त अदर जो श्रेणी है उनके लिए यहाँ पर जो है 500 होगा। बाकी जो है इसमें GST चार्ज जोड़कर जो है देहरादून के पक्ष में जहाँ आप RTGS के माध्यम से या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनके अकाउंट में जो है पे कर सकते हैं। ये इन्होंने लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दे के रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मिनिमम एज होगी आपकी 21 और मैक्सिमम 42 होगी। बाकी जो उत्तराखंड राज्य के अनुसार जो रिजर्वेशन है उसमें यहाँ पर जो है छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पर सब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस माह में आपको किस माह के तारीख को आपको वेतन मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर इसमें सब कुछ डिटेल में है। तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें समझ लें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह की जो चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा आप देख सकते हैं साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा विज्ञप्तियों की संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। साक्षात्कार के समय आवेदक द्वारा अपना शैक्षिक योग्यता जाति कार्य अनुभव तमाम तरह के जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लाने होंगे, ठीक है। उसके अलावा तमाम और भी जो इसमें पॉइंट्स हैं उसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। उसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनसे आप जो है डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पूरा
जो ये नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड करके रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। उसके अलावा अगर आपके कोई पर्सनल कमेंट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के बटन को दबा दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपको लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।